भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थानीय ठेकेदारों ने भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र में हो रही मनमानियों की शिकायत लेकर सांसद निवास पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद विजय बघेल से चर्चा कर अपनी पीड़ा सुनाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थानीय ठेकेदारों ने भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र में हो रही मनमानियों को लेकर सांसद विजय बघेल के निवास पहुंचकर उनसे स्थानीय मजदूर ठेकेदारों पर अन्याय व काम को लेकर किए जा रहे भेदभाव के बारे में बताया और पीड़ा व्यक्त की। हम लोग भी जो कुछ काम कर रहे हैं, एक या दो हम लोग का यह स्थिति हुई पर चल रहा है, जो हम लोग जो कर रहे हैं ये लोग ये नहीं कि ठेकेदार बाहर को आ ही रहे हैं, इसमें नहीं, यहाँ हम अकेले करेंगे। जैसे ठेकेदार सरकार हो से या हो, ऐसे जो बहुत प्रोटेक्टिव वाले हैं, ऐसे बहुत ऐसे हैं जो आपसे सब बहुत काम करोगे आपके। इस दौरान ठेकेदारों ने बताया कि हम पिछले 40 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से सभी अलग अलग ट्रेडर्स को एक साथ जोड़कर बड़े ठेकेदारों को पात्रता प्रदान कर आवंटित किया जा रहा है, जिसके कारण भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थानीय ठेकेदार बेरोजगार होते जा रहे हैं। साथ ही बताया कि भिलाई संयंत्र में हम पंजीकृत अलग अलग ट्रेडर्स सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रिफ्रैक्टरी इत्यादि जैसे पंजीकृत ठेकेदारों को काम ना देकर बीएसपी के प्रबंधक अपनी मनमानी और मनचाही कर बाहर से आए बिना पंजीकृत ठेकेदारों को काम दे रहे हैं। और यही नहीं, निविदा में पात्रता निविदा मापदंड के तहत बाहरी ठेकेदारों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का उचित जाँच भी नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही बैंक में गारंटी में भी पक्षपूर्ण रवैया भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा अपनाया जा रहा है और बाहरी ठेकेदारों को उसमें छूट प्रदान की जा रही है, जबकि स्थानीय ठेकेदारों से बैंक गारंटी अनिवार्य रूप से जमा करवाती है। इस दौरान रविवार को सांसद निवास पहुंचे सैकड़ों ठेकेदारों ने अपनी पीड़ा दुर्ग सांसद विजय बघेल को बताई, जिसके बाद सांसद विजय बघेल ने ठेकेदारों को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में बीएसपी संयंत्र प्रबंधक से आमना सामना अब मेरा होगा। इस संबंध में उन्होंने मीडिया के समक्ष जानकारी दी। अभी कुछ सालों से 8-10 सालों से स्थानीय ठेकेदारों की अवहेलना की जा रही है बीएसपी मैनेजमेंट द्वारा, और जो भी अधिकारी बाहर से आ रहे हैं वो अपने साथ वहीं से ठेकेदार लेकर आ रहे हैं, और बड़ा पैकेज में काम कराने की एक परंपरा भी बीएसपी ने शुरू की, जिसके कारण जो हमारे यहाँ के छोटे मंझोले और कुछ बड़े स्तर के ठेकेदार हैं उनको काम नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय ठेकेदारों को काम नहीं मिलने के कारण स्थानीय मजदूर भी अब बेरोजगार हो रहे हैं। स्किल्ड के नाम से बाहर से भी मजदूर ये लोग ला रहे हैं, बाहर के जो ठेकेदार हैं, तो उससे हमारे स्थानीय स्तर पे एक तो हमारे ठेकेदार भी काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी एक मजबूरी हो गई है, वो भी जो पूरे अपने सेटअप के साथ यहाँ हैं उनका बोझ बढ़ता जा रहा है, कर्ज में डूबते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो स्थानीय हमारे मजदूर हैं, ठेका श्रमिक कह लें या कुछ स्किल कह लें, वो भी अब बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। और निश्चित रूप से मैं 2-3 बार इसको संज्ञान में लेके उनके साथ बैठक कर चुका हूँ मैनेजमेंट के साथ, मगर धीरे धीरे और शिकायतें बढ़ रही है। तो ये आज हमारे मेरे पास लगभग 200-250 ठेकेदार आज आए हैं, मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसके लिए मैं खुद स्वयं कदम उठाऊँगा और स्थानीय लोगों को काम मिले, स्थानीय ठेकेदारों को काम मिले। हम ये नहीं कहते बाहरी ठेकेदार जो बड़े हैं जो क्राइटेरिया में नहीं आ सकते वो तो जो काम इनके क्राइटेरिया में उसको करे, मगर पैकेज बड़ा करके एक बहाना बना के बाहरी ठेकेदारों के लाने का षड्यंत्र जो चल रहा है उस षड्यंत्र वो ना करे। बीएसपी मैनेजमेंट में स्वयं होके सामने आऊँगा और जो भी इसके कानूनी व्यवस्था बिगड़ेगी उसकी सारी जिम्मेदारी बीएसपी मैनेजमेंट की होगी। ये सब लोग बाहरी अपने साथ दूसरे प्रदेशों से बड़े बड़े ठेकेदार को भी लेके आ रहे हैं, और एक ठेकेदार इस तरह का इन्होंने माहौल बना लिया है, और एक ही साथ आ तो रहे ही हैं, और इन्होंने ये बहाना बना करके कि चूंकि ये बड़ा काम है ये आप लोग नहीं कर पाएंगे, ये रेट भी जो हम लोग जो काम
पूर्व में हम लोग 600-700 रुपए में कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल पर मीट्रिक टन जो भी है, वो आज वही 1500 से 2000 के बीच में उनको दे रहे हैं। उदाहरण स्वरूप टाटा हो, सरकार हो, जो है बड़े बड़े ठेकेदार ऐसे हैं, सैलजा हो, इन लोगों को काम दे रहा है इतना ही। और इसके कारण क्या है कि स्थानीय ठेकेदार लगभग बेरोजगार तो हो ही गए हैं, 50% बाहर हो चुके हैं और 50% एक वेंटिलेटर पर अब चल रहे हैं। तात्पर्य बोलने का कि लगभग एक या दो काम उनके पास है, जो भी अब शेष है हो सकता है दो वर्ष के बाद वो भी बाहर हो जाएंगे। हाँ, सांसद महोदय से हम लोग मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बातचीत कर रहे हैं और अगर सफलता आप लोगों को नहीं मिलेगा तो आप लोगों के साथ हम जो भी कदम उठाना होगा उठाएंगे, इसलिए सांसद जी को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी पीड़ा सांसद विजय बघेल को बताई गई है, देखना होगा आगे इसमें किस तरह का निर्णय लिया जाता है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।